नाज़रीन आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। गैरत के नाम पर शौहर के हाथों बीवी कत्ल। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिम फरार होने में कामयाब। कोट छुट्टा के इलाके बस्ती तालपुर में इसहाक तालपुर ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी 23 साल शाइस्ता बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर लाश को तहवील में ले लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं फैज टीवी कोट छुट्टा के नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, हमें आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, देखें कोट छुट्टा के नवाही इलाके थाना दरख्वास्त जमाल खान की हदूद बस्ती तालपुर में इसहाक तालपुर नामी ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और इतला मिलने पर थाना दरख्वास्त जमाल खान पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने मकतूला की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेरा गाजी खान अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। इस मौके पर पुलिस तर्जमान का कहना था कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई है और बहुत जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मजीद तफ्तीश भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया आजादार आपका, हमें आगाह कर रहे थे आज़ादार हुसैन। गैरत के नाम पर शौहर के हाथों बीवी कत्ल। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिम फरार होने में कामयाब। कोट छुट्टा के इलाके बस्ती तालपुर में इसहाक तालपुर ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी 23 साल शाइस्ता बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर लाश को तहवील में ले लिया। ये थी फैज ताज़ा तरीन।